खासदार इम्तियाज जलील साहब के हाथ से परचम कुशाई होने जा रही है, उसके बाद में जो है तो राष्ट्रगीत होगा। जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा प्रांता, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय 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 हिंद। प्रजासत्ताक दिन रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही साथ आज दारुसलाम मेडिकल हेल्पलाइन सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस इरादे और जिस मकसद, जिस नेक नियति के साथ ये सेंटर शुरू किया गया है, वो बहुत सारे गरीब मरीजों का जो बहुत मजबूर यहाँ पर अस्पताल में आते हैं और कई सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, छोटे छोटे गांव से जब पेशेंट्स आते हैं, उनके परिवार वाले, उनके फैमिली वाले बहुत सारी मुश्किलों के सामना उन्हें करना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेंटर के जरिए इसके आगे जहां पर भी कोई पेशेंट रहेगा उनको पूरी तरह से ताउन किया जाएगा, मदद की जाएगी। और इसका कोई वक्त नहीं है कि ये 10 से 5 बजे तक ही काम करेगा। समीर साहब और उनकी टीम से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे के अंदर कभी भी कोई पेशेंट को जरूरत पड़ी आपकी टीम वहां पर जाए, दौड़े और वो लोगों की मदद करे। इस मकसद, इस नेक इरादे के साथ ये सेंटर शुरू किया गया है। आज रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इतने साल हो गए हैं आजादी के, लेकिन आज देश भर में हम लोग बड़े फख्र के साथ अपना तिरंगा लहराते हैं, राष्ट्रगान हम गाते हैं। हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है, वो प्रीएम्बल अभी शेख अना साहब ने पढ़ा है और वो ये बात को बताता है कि ये देश एक सेक्युलर कंट्री है, एक सेक्युलर मुल्क है, लेकिन इस देश के सेक्युलरिज्म को कैसा खत्म किया जा रहा है ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हो, NRC हो या NPA हो, मकसद सिर्फ यही है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाए और एक विशेष समाज, एक विशेष तबके को उसका निशाना बनाया जाए। लेकिन हमें फख्र और खुशी इस बात की है कि भले ही एक तरफ से ये कोशिशें हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा और कई ज्यादा ये कोशिशें हो रही है कि जो ये संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं उनका डटकर मुकाबला करने के लिए हर शहर के अंदर एक शाहीन बाग तैयार हो चुका है। हमारे शहर के भी नौजवान मुबारकबाद के हकदार हैं जो दिन और रात डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने इस शहर में अपना एक शाहीन बाग बनाकर हर रोज वहां पर नौजवान, बुजुर्ग, हमारी बहनें, माएं, सब लोग वहां पर जाकर सिर्फ एकजहती का एक सबूत देकर सरकार के तरफ ये पैगाम पहुंचाना चाहती है कि तुम्हारी कोशिशें जितनी भी हो, ये मुल्क एक था, एक है और एक इंशाल्लाह रहेगा। हम तो शुक्र अदा करना चाहते हैं इस मुल्क के वजीर आजम का, इस मुल्क के गृह मंत्री का, जिन्होंने जब ये एक्ट लेकर आए तो उनकी मंशा और उनके इरादे ये थे कि इस एक्ट के जरिए हम समाजों के बीच में दरारें पैदा कर देंगे, हम मजहबों के बीच में दूरियां पैदा कर देंगे। लेकिन हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब कि आपकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये देश एक बार फिर से एक ताकत बनकर खड़ा हुआ है।
और सभी जाति धर्म मजहब के लोग एक साथ मिलकर आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि सरकारें 5 साल के लिए आएंगी और जाएंगी, लेकिन पिछले 70-71 साल से ये मुल्क जिस हिसाब से चल रहा है तो किसी सरकार की वजह से नहीं चल रहा है या सरकार की मन मर्जी की वजह से नहीं चल रहा है। अगर ये मुल्क चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चल रहा है, और आगे भी ये मुल्क अगर चलेगा तो सिर्फ संविधान के हिसाब से चलेगा। यही पैगाम आज मुल्क भर में हमने भी दिया है, और जहां पर भी आज झंडा चढ़ाया जा रहा है, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कल रात में अपना एक वीडियो जारी करके तमाम लोगों से अपील की है कि जहां कहीं पर भी झंडा चढ़ाया जा रहा है और झंडा चढ़ाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ा जाए, ताकि देशवासियों को यह एहसास हो कि यह देश कैसा है, किसने बनाया था, उसका मकसद क्या था, और ये देश कितना खूबसूरत है, इसलिए है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन जो सरकारों की कोशिश है, हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह उनकी कोशिशें नाकामयाब होगी। हमें पूरा यकीन है कि उनकी जितनी भी चालें हैं, षड्यंत्र हैं, साजिशें हैं, वो पूरी की पूरी नाकामयाब होगी, और इस मुल्क के संविधान के ऊपर यकीन करने वाले लोग इंशाल्लाह उसे नाकामयाब बनाएंगे। मैं आप लोगों को एक बार फिर से इस मौके के ऊपर मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग इस यौम जम्हूरिया के मौके के ऊपर एक साथ मिलकर यहां पर आए, और हर साल की तरह हम लोग शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर जाकर हमारी तिरंगा रैली, हमारी गाड़ियों के ऊपर तिरंगा झंडा लहराते हुए हम शहर की गलियों के अंदर हम घूमते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम शहर में नहीं, हम गांव की तरफ जाएंगे, और आज ये रैली यहां से निकलकर हम लोग इंशाल्लाह खुलदाबाद जाएंगे, और खुलदाबाद तक पहुंचने तक मैं तमाम नौजवानों से ये अपील करूंगा, चूंकि हम हाईवे के ऊपर जाने वाले हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पूरे डिसिप्लिन के साथ वहां पर आप लोग अपनी गाड़ियां चलाएं, पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करें, ऐसी कोई गलत हरकत ना हो कि जिसकी वजह से हमें जानी या माली नुकसान हो। तो तमाम लोगों से मैं एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा, बड़े गर्व के साथ, बड़े फख्र के साथ अपने गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लहराओ। उस तिरंगे के अंदर जो झंडे का रंग है, वो रंग प्रधानमंत्री साहब को दिखाओ कि ये झंडा एक रंग का नहीं है, ये झंडे के अंदर 3 रंग है, उसमें मेरा हरा रंग भी है, उसमें सफेद रंग भी है, और उसमें भगवा रंग भी है, और ये 3 रंग जब मिलते हैं तब भारत देश बनता है, और यही भारत देश इंशाल्लाह रहेगा जैसा 71 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की कल्पना की थी, इस मुल्क के बारे में जो एक सोच रखी थी, इंशाल्लाह ये देश आगे भी वैसे ही चलता रहेगा। 31 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, आप लोगों की तरफ से मैं एक पैगाम वहां पर उस साहब को जरूर दूंगा जिसे हमारी हैदराबाद की एक बहन ने बहुत अच्छा नाम दिया है। मैं आपकी तरफ से पैगाम उन्हें जरूर दूंगा कि अगर देखना है हमारा मुल्क कैसा है तो कभी मेरे औरंगाबाद में आकर देखो तो कैसा नजर आता है, मेरा देश, मेरा शहर कैसा है वो आपको नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भैया मोबाइल नीचे लेना यार।